तो हे गाइस, बहुत बहुत स्वागत है तो आप सभी का हमारे आपके चैनल पे एटमिक्स में। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि लो प्राइस जो पप्पीज़ आप कहाँ से ले सकते हो, कैसे आप जो है कम प्राइस में बार्गिंग करके अच्छे से अच्छे जो है प्राइस जो है ज़्यादा प्राइस होता है उसको कम प्राइस में लेके आपके बजट के हिसाब से आप कैसे पप्पी एक न्यू पप्पी ले सकते हो। तो इस वीडियो में आपको मैं ऐसा नहीं बताने वाला हूँ कि 1000 रुपये में मिल जाएगा, 2000 रुपये मिलेगा, 400-500 रुपये मिल जाएगा। आपको यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे जो भी बोलेंगे कि यहाँ पे जाओ डॉग सेल है या फिर डॉग जो आप बोल सकते हैं मेला, डॉग मेला है, वहाँ पे जाके आप जो पप्पी ले सकते हो 500 रुपये में, 1000 रुपये में, या फिर हमसे ऑनलाइन हम ले दे रहे हैं, आपको ऑनलाइन को बाय करना चाहिए, आपको सस्ता पड़ेगा। ये सब कुछ जो है फ्रॉड करने का तरीका है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्रॉड होते हैं, मिक्स पप्पीज़ मिलते हैं, आपको कुछ भी जो पप्पी देते जो ओरिजिनलिटी होती है वो नहीं मिलती। तो ये सब कुछ आपको वीडियो में नहीं बताने वाला हूँ, मैं आपको एक असली वे बताने वाला हूँ जिसके कारण वहाँ जाके आप थोड़ा बहुत बार्गिंग करके आपसे 3 से 4 हज़ार रुपये बचा के आपको एक अच्छा पप्पी मिल सकता है। तो जो सबसे पहला तरीका है आपको जो पप्पी बाय करने का वो है नियर बाय। आपको मैप में सर्च कर लेना है कि नियर बाय जो डॉग शॉप है वो कौन कौन सी है या फिर ब्रीडर कौन कौन से सेल करते हैं नियर बाय हमारे। तो आपके 3-4 किलोमीटर आप ज़रूर से चेक कर लेना सारे दुकान में। वहाँ जाके आपको एक्साइटेड नहीं होना कि हमको आज ही डॉग चाहिए, हमको यही डॉग चाहिए। बस आपको वहाँ पर जाके आप बोलना कि मैं इंक्वायरी करने आया हूँ कि मुझे ये डॉग ब्रीड चाहिए, तो वैसे में वो फिर आपको प्राइस बताएगा कि ये प्राइस है इसका ये। तो आप उनसे ज़रूर से पूछना कि आप लास्ट में कितना ये प्राइस देना चाहते हो, हम 1-2 दिन के अंदर इसके जो है पप्पी को एडॉप्ट करने के लिए आएंगे। आपको उनको नहीं बोलना कि आपको जैसे प्राइस फिक्स करने है, तो वो उनका प्राइस ज़रूर से आपको बताएगा कि 12,000-13,000 या अच्छी क्वालिटी का आपको दिखाएगा। आप उनको देख लेना कि आपके उनके पास कैसी कैसी क्वालिटी है, मीडियम है, लो क्वालिटी है, हाई क्वालिटी है, और वो जो प्राइस बता रहे उस हिसाब से वो क्वालिटी मैच कर रही है कि नहीं कर रही। तो वैसे आपको 3 से 4 शॉप आपको विजिट करना है। फिर आपको क्या करना है, उनको साथ साथ में उनका फ़ोन नंबर भी लेना है। आपको फिर डिसाइड हो जाता है कि ये पप्पी आपके लिए अच्छा है, इसकी क्वालिटी भी अच्छी है और प्राइस भी काफ़ी रिजनेबल है। फिर आपको उनको कॉल करके बोलना है कि हमें पप्पी ये लेना है, हम देखने आए थे, आपने जो है बात हो चुकी है, तो इसका प्राइस क्या है, तो वो आपको ज़रूर से बताएगा कि इसका प्राइस ये। तो फिर फ़ोन पे आपको बार्गिंग करना है कि उसको कि हमारे पास इतना बजट नहीं है। आप जैसे सब्जी मंडी में बार्गिंग करते वैसे आपको यहाँ पे भी बार्गिंग करने की है, नहीं है हमारे पास इतना नहीं हो रहा हमारे पास, जैसे कि उन्होंने 12,000 का बोला था, आप बोलना कि हमारा बजट 10,000 ही है, हम इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। अगर वो बोलेगा कि सर आप 11,000 दे दो, तो भी आप उनको मनाई करना कि नहीं हमको पप्पी लेना है बट हमारा बजट इतना ही है, हम इससे ऊपर नहीं जा सकते, आप मांगोगे तो भी हम नहीं दे सकते। तो ऐसा करके जो है आपको 2 से 3 हज़ार रुपये आपके ज़रूर से बचेंगे। इसके बाद जो सेकेंड वेव होता है वो क्या होता है कि जैसे कि आपका फ्रेंड का या फिर फैमिली के या फिर किसी के पास फीमेल है, आपको दिखती है रास्ते में फीमेल है, तो उससे आप कांटेक्ट करके ज़रूर रखिएगा कि इसके बेबीज हो तो हमें ज़रूर से देना, क्योंकि किसी भी कोई भी फीमेल के बेबीज होते तो 8 से 9 होते हैं, 6 होते या 5 होते, तो ऐसे में उन लोगों को पता नहीं होता कि मार्केट का प्राइस क्या चल रहा है, तो वो लोग क्या करते सस्ते में दे देते, क्योंकि उनको भी काफ़ी ज़्यादा टेंशन होता है कि इतने पप्पीज़ को कैसे रखे, कैसे हैंडल करे, तो वो क्या करते 1 महीने बाद 1.5 महीने बाद दे देते। तो उधर आप उनको पैसा देके बुकिंग करवा सकते हैं। तो उनका जो प्राइस होता है हमेशा मैंने देखा है जब तक मेरे हिसाब से तो वो लोग 7,000 से लेके 10,000 के बीच में प्राइस रखते, इससे ज़्यादा वो नहीं कभी भी सेल करते। तो ये डॉग ब्रीडर वाले डॉग शॉप वाले क्या करते हैं उनसे पहले कॉन्टैक्ट करके वो ब्रीडर जो है 6,000-7,000 में लेते और वही पपी आपको जो है 15,000-16,000 में बेचते हैं। तो आप पहले से अगर कॉन्टैक्ट करके रखोगे तो आपको 7,000 या फिर 6,000 या फिर 10,000 के अंदर मिल जाएंगे और साथ साथ में आपका जो पैसा है 4 से 5,000 रुपये आराम से बच जाएगा। इसके बाद जैसे कि गाय जैसे कि सीज़न, अगर सीज़न नहीं हो, अगर आप कोई डॉग लेने जा रहे हो तो आपको कॉस्टली पड़ेगा, फिर आपको कहीं भी सस्ता नहीं मिलेगा। बट अभी दिवाली के बाद जैसे आप सोच रहे हो, जैसे नवरात्रि के बाद जो है बहुत सारे जो फीमेल जो है बच्चे देती है और आपको मार्केट में जो फेब्रुवरी तक जो काफ़ी ज़्यादा जो पप्पीज़ आपको देखने को मिलेंगे, तो ऐसे में लोग काफ़ी ज़्यादा बार्गिंग करके 3 से 4 हज़ार रुपये बचा लेते हैं, क्योंकि सीज़न ही होता है उसमें आपको बहुत सारे पप्पी देखने को मिलेंगे, कोई यहाँ से देगा किसी के पास वहाँ पर हो गए तो वो सेल करना चाहता है, तो उस टाइम आप बार्गिंग करके काफ़ी ज़्यादा पप्पीज़ का मार्केट में अवेलेबल होते हैं, तो वैसे लोग आपको सस्ते में दे देते हैं, तो वहाँ पे भी आपको 3 से 4 हज़ार रुपये बच जाएंगे। खास करके ठंडी के सीज़न में काफ़ी ज़्यादा सस्ते आपको डॉग ब्रीड देखने को मिलेंगे। बट दोस्तों, अगर आप ऐसा सोच रहे कि हमें जो अच्छे क्वालिटी का चाहिए, महंगे से महंगे और एकदम रेयर वाले जो डॉग ब्रीड आते हैं वो चाहिए और विद पेपर चाहिए और हमको कम प्राइस में चाहिए, तो ये पॉसिबल नहीं है, इसके लिए आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा। और कहीं पे अगर आप अच्छी क्वालिटी का ले रहे हो तो वहाँ पे आपको थोड़ा बहुत पैसा देना पड़ सकता है, क्योंकि जो डॉग ब्रीडर है, डॉग सेलर है, उनको भी घर चलाना पड़ता है, तो वो भी 1-2 पैसा तो ज़रूर से कमाएंगे, इसलिए वहाँ पे आपको थोड़े बहुत तो पैसे देने पड़ेंगे। जो भी आप अगर सोच रहे हो ऑनलाइन में लूँ तो ऑनलाइन बिल्कुल मत लेना, इंडिया में बहुत ज़्यादा फ्रॉड होता है ऑनलाइन केस कि हम ऑनलाइन डिलीवरी कर देंगे, आप पहले पेमेंट कर दो, हमारा आधार कार्ड वो आपको दे देंगे, उसका पैन कार्ड देंगे, वो सब कुछ नकली होता है, तो ऑनलाइन बिल्कुल बाय मत करना।
और जो डॉग मार्केट होता है वहाँ पे भी जाओगे आप तो ध्यान रखना, अच्छा ओरिजिनलिटी आप ज़रूर से चेक करना, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फ्रॉड होता है, मिक्स डॉग ब्रीड मिलते हैं, फिर अगले बार आप जाओगे वो मार्केट में बंदा आपको देखने को भी मिलेगा नहीं। गाइस जो नेक्स्ट तरीका है आपको कम प्राइस में लेने का वो है कि अगर आप जो एरिया में रहते हो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भाव है, जैसे सिटी में रहते हो तो आपके नियर बाय कोई विलेज हो तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं, 50-100 किलोमीटर जाके आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं, आपके रिलेटिव है वहाँ उनसे पूछ सकते हैं। तो वहाँ पे क्या आजू बाजू या फिर विलेज में या फिर कोई ऐसी सिटी है जहाँ पपी का डिमांड काफ़ी ज़्यादा कम है और प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा कम है तो वहाँ पे आप जाके ले सकते हैं, तो वहाँ पे आपको 4-5 हज़ार का जो फ़र्क देखने को ज़रूर से मिलेगा। जैसे कि पंजाब, कोलकाता, दिल्ली में ऐसे साइड में काफ़ी ज़्यादा पपी अवेलेबल होते हैं तो वो भी मिल जाएगी। अगर आप कहीं विलेज में वहाँ पे आपको पपी देखने को मिलता है तो वहाँ से भी आप ले सकते हैं, क्योंकि विलेज में जो पपी होते हैं वो ओरिजिनल होते हैं तो वहाँ से भी आप ले सकते हैं। तो थोड़ा बहुत कॉन्टैक्ट कीजिएगा, थोड़ा बहुत रिसर्च कीजिएगा, आपके नीड के हिसाब से लीजिएगा तो आपको अच्छा पपी और सस्ता पपी ज़रूर से मिलेगा। जो नेक्स्ट चीज़ हो सकती है वो है कि ट्रस्ट, आजू बाजू वाले जो भी आपके ट्रस्ट है जहाँ पे कभी कभार डॉग को कुछ लग जाता है तो लोग छोड़ देते हैं तो वहाँ से भी आप डॉग एडॉप्ट कर सकते हैं, वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा, डॉग को एक नई फैमिली मिलेगी, आपको भी एक अच्छा डॉग मिल जाएगा और कभी कभार वो आप डॉक्यूमेंट आप बोल सकते हो कि वहाँ पे हम इसको अच्छे से रखेंगे, अच्छे से केयर कर सकते हैं, तो वो आपको कभी कभार फ्री में भी दे देते बहुत सारे डॉग, बट कभी कभार उनको थोड़ी बहुत चोट लग जाती है, हेयर फॉल होता है तो बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं, तो वो रिकवरी करके आप अच्छे से इलाज करके उन्हें रख सकते हो और अच्छा डॉग भी आपको मिल जाएगा। तो ज़रूर से आप वहाँ से कोई भी एक डॉग एडॉप्ट कर सकते हो, आप चाहे तो स्ट्रीट डॉग को भी अडॉप्ट कर सकते हैं, आजू बाजू आपको फ्री स्ट्रीट डॉग भी आपको देखने को मिलेंगे वहाँ से अडॉप्ट कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते तो उनको ज़रूर से कुछ खाना खिलाइएगा, कुछ दूध दीजिएगा, अभी बहुत सारे पप्पीज होगी उनको आप ज़रूर से हेल्प कर सकते हैं। तो ये सारे वेव्स थे जिसके कारण जो है आपको 2-3 हज़ार रुपये जो आपके बच जाएंगे और आपको एक अच्छा पप्पी मिलेगा। तो आपको वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगती है वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना।